हेलो फ्रेंड्स, सब कुछ हिंदी में मैं पवन शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे तत्काल टिकट मोबाइल से कैसे बुक करते हैं, तो उसकी क्या ट्रिक्स हैं कि आप बिल्कुल आसानी से वो जो टिकट्स हैं वो बुक कर सकें। तो मैं आपको टिकट बुक करके दिखाऊंगा, लाइव जो मैं टिकट बुक करके दिखाऊंगा, तो आप भी जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करेंगे तो आप भी ज़रूर ये टिकट बुक कर पाएंगे। तो मैं इसे एग्ज़िट कर देता हूँ क्योंकि अभी ये आप ये ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए 10:59 हो चुके हैं और जो तत्काल की जो विंडोज़ है वो 11 बजे खुलेंगी। 11 बजे मेरी जो टिकट है वो मैं बुक कर पाऊँगा। मुझे भूसावल से फरीदाबाद जाना है और मैं कल की टिकट बुक कराना चाहता हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से आप जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप ये ट्रिक यूज़ कीजिए, आप ज़रूर हमेशा तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। देखिए पहले ही सारी चीज़ें तय कर लीजिए कि आपको कौन सी ट्रेन में जाना है, ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। और मास्टर लिस्ट, मैंने एक वीडियो डाला भी है कि मास्टर लिस्ट का यूज़ कैसे करें, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मैं वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको पिंग कर दूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और उस मास्टर लिस्ट का यूज़ करने के बाद आप जो टिकट है बहुत आसानी से जो बुक कर पाएंगे, तत्काल की टिकट बहुत आसानी से बुक कर पाएंगे। देखिए अभी 11 बज गए हैं और देखिए यहाँ पे अवेलेबल का ऑप्शन आ गया है। देखिए यहाँ पर जो प्लस का साइन दिख रहा है आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मैंने बुक किया। देखिए तत्काल के समय जो सर्वर होता है वो बहुत स्लो हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से टिकट बुक करने के लिए आते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको प्रेस करते रहें, बैक बटन जाते रहें, बैक करते रहें, तो जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको कंप्लीट होने दें जब तक वो। अभी देखिए 187 टिकट हैं और अभी 11 बजे हैं और आप देखेंगे जब प्रोसीड होगा तो कितनी कम टिकट जो है अवेलेबल होंगी। तो जो भी कैप्चा आप डालें वो बिल्कुल सही डालें ताकि आपका टाइम बच सके। देखिए उसके बाद आप जब टिकट बुक करें तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप UPI का यूज़ करें, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ ना करें। क्योंकि क्या होता है जब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स फिल करते हैं तो उसके बाद एक OTP जाता है, OTP आने में कभी कभी इतना टाइम लग जाता है कि आप टिकट बुक ही नहीं कर पाते और वो OTP काफ़ी लेट हो जाता है आने में। तो आप हमेशा भीम UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, इनमें से किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए 11:02 हो गए हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम टिकट ज़रूर बुक कर पाएंगे। तो ये देखिए आप जैसा कि देख रहे हैं मुझे तत्काल टिकट मैंने बुक की है और आपके सामने ये तत्काल टिकट की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ चुकी है, PNR आ चुका है, कंफर्म टिकट मिली है मुझे, जो मेरा बर्थ है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये बहुत आसान ट्रिक है, आप इस ट्रिक का यूज़ करके बहुत ही आसानी से तत्काल में टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।